नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। आज ये होम में वर्कआउट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ की वजह से आज जिम जा नहीं पाया। सोचा कि होम छोटे से जगह में मैं कैसे वर्कआउट करता हूँ, इधर किचन है उधर जिम है, तभी मैं वर्कआउट करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं ट्रेन करूँगा अपने चेस्ट को, देखते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइज हो पाएंगी इसमें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से आपकी मोबिलिटी और हर चीज़ बिल्ड होगी। इसलिए सबसे पहले आप थोड़ा बहुत शोल्डर प्रेस, सॉरी जल्दीबाजी में बोल गया, सबसे पहले फ्रंट रेस कर लें। उसी के साथ फ्रंट के साथ बैक में भी किसी भी रेजिस्टेंस बैंड से आप अपनी मोबिलिटी स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ये रहा अपर बॉडी का। उसके बाद बैक के लिए आप ये चीज कर सकते हो लाइक दिस। तो उसके बाद थोड़ी सी पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर लाइक दिस यू हैव टू, मतलब पैर को स्ट्रेट करके अपने टोज को छूने की कोशिश करिए। पूरे पीछे का पैर स्ट्रेच हो जाएगा और यहाँ पे पूरे हैम्स को स्ट्रेच करिए। सारे पेल्विक गर्डल से लेकर सब चीजें स्ट्रेच हो जाएंगी। ये प्रॉपर थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग हो गई। अब स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। पहला जो रहेगा रहेगा 25 के 4 सेट पुशअप के, जो कि होंगे 100 पुशअप। लेट्स गो। जो पहली चीज रहेगी वो रहेगी पुशअप्स, जो करूंगा मैं 100 पुशअप 4 सेट 25 25 के। पहला सेट दिखा दूंगा, लंबा नहीं करूंगा वीडियो को। जो पुशअप रहेंगे काफी इजी वे में इजिली मैं परफॉर्म करूंगा, जो कि हाई रेंज में नहीं रहेंगे, नॉर्मल रेंज में रहेंगे लाइक दिस। ये हो गया 25 पुशअप। अब स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। लेट्स गो। आप सुन सकते हो पीछे कि मैं हमेशा वर्कआउट के दौरान भजन सुनता हूँ और ये बहुत पीसफुल होता है मेरे लिए। सो की फसलें। जैसा कि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पेस की इफिशियंसी होने के कारण मुझे ऐसे बैठ बैठ के वीडियो बनाना पड़ रहा है। पीछे का बहुत छोटा रूम है ये, बहुत छोटा, मतलब मैं क्या ही बताऊं कितना छोटा रूम है। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आप लिफ्टिंग करो तो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ करो। जैसे कि आज चेस्ट डे है तो लिफ्टिंग होगी, तो रेजिस्टेंस बैंड का बहुत अच्छे से यूज करें, सॉरी रिस्ट बैंड का यूज बहुत अच्छे से करें, जो कि आपके लिए काफी सपोर्टिव और एफिशिएंट होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप प्रॉपर लिफ्टर हो तो चॉक का यूज करें, जो आपको प्रॉपर ग्रिप देगा। और उससे पहली बात, अगर आपके पास बाम हो, जो एक कॉन्फिडेंशियल बाम है, मैं नाम नहीं बोल सकता, तो उसको स्प्रे को मार लो कि और अच्छे से आपको ग्रिप मिले और स्ट्रेंथ मिले। क्योंकि ये बाम और स्प्रेज ऐसे होते हैं कि आपको इनिशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दर्द नहीं होता स्ट्रेचिंग में और जो भी चीजें आप लिफ्टिंग करते हो उसमें। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। सबसे पहला वर्कआउट जो रहेगा वो रहेगा इंक्लाइंड रॉड प्रेस। लेट्स गो। दिस गोना बी फर्स्ट सेट। दो तरफ प्लेट 15-15 kg है और 10 से 15 किलो की रॉड है, तो होम जिम में इतना ही हो पाता है। लेट्स गो। ये बारी हो। दोनों साइड 10 10 किलो बढ़ा दिया है। एक टाइम था ये सब वेट सपने थे, उठते ही नहीं थे। आज है कि सेल्फ मारता हूँ कंपटीशन में। जैसा कि आपने वीडियोस में देखा होगा, मेरे कंपटीशन में मेरे से 70 kg नहीं उठा था और आज 80 किलो की 6 6 रेप मार रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड सक्सेस इन 2 मंथ्स। लेट्स गो फॉर सेकेंड सेट। ये हो कमांड।
Let's go. Mahadev. Ma. इंक्लाइन का ये लास्ट सेट रहेगा। इंक्लाइन पे मेरा बहुत हैवी वेट नहीं जाता है, बट बेंच प्रेस पे जाता है अच्छे से। ये लास्ट सेट है, देखते हैं कितना जाता है। ऑलरेडी 4 सेट मार चुका हूँ, ये बस वीडियो के लिए शूट कर रहा हूँ कि आप लोग को दिखे कोई फेक चीज नहीं चल रही यहाँ पे। लेट्स गो बड़ी हो। तीन गए। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी फ्लैट बेंच प्रेस। देखते हैं कहां से स्टार्ट करते हैं, कहां तक जाते हैं। आपसे मिलेंगे लास्ट में, जब लास्ट रेप रहेगा, लास्ट सेट रहेगा। लेट्स गो। मैंने सोचा कि आपको पहला सेट दिखा देता हूं इंक्लाइन बेंच प्रेस का। आप मुझे देख पा रहे हो कि नहीं आई डोंट नो, बट आई विल शो यू कि खुद से रैक अनरैक होम जिम में कितनी डिफिकल्टीज होती है। दिस गोना बी फर्स्ट सेट, लेट्स गो। हो गया पहला सेट, सी यू इन लास्ट सेट। फ्लैट रॉड फ्लाई हो चुकी है। अब जो एक्सरसाइज रहेगी तीसरी नंबर की रहेगी, ये सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें क्या करेंगे, इंक्लाइन फ्लाई करेंगे और फ्लैट फ्लाई करेंगे, दोनों अल्टरनेट फटाफट साथ में। सो लेट्स गो। ये फ्लैट बेंच प्रेस हो चुकी है, वीडियो नहीं बनाया लास्ट का, ऐड कर दूंगा अगर बनाया होगा तो। स्टार्ट करते हैं थर्ड एक्सरसाइज फटाफट। ठंड बहुत है इसलिए मैं अपने आप को कवर कर करके वर्कआउट कर रहा हूँ, ठंड से अभी मैं झेल चुका हूँ बहुत ज्यादा। सो जो वर्कआउट मैं करूंगा अभी वो मैंने आपको बताया। अभी मेरे पास 15 किलो तक के हैवी डंबल हैं, बट ये जो फ्लाई की एक्सरसाइज होती है फ्लैट या इंक्लाइन, इसको मॉडरेट या कम वेट से करना चाहिए, तभी आपके चेस्ट पे वो प्रॉपरली आ पाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा पहले 5 किलो से इंक्लाइन। ठीक है, इंक्लाइन फ्लाई जो कि 10 से 12 रेप रहेंगे। Let's go. Do like this. ये तुरंत करने के बाद ही मैं तुरंत बेंच को करूंगा नीचे और तुरंत आ जाऊंगा फ्लैट रॉड पे, सॉरी फ्लैट बेंच पे। जस्ट लाइक दिस, कम ऑन। 1 2 3। ये थी तीसरी एक्सरसाइज। आपसे मिलते हैं चौथी एक्सरसाइज में जो होगी पुल ओवर। इस पूरी एक्सरसाइज को करने के बाद सी यू। डंबल को यहां रखो, दूसरे डंबल को उठाओ और सेकंड सेट की ओर बढ़ जाओ। यहां काफी स्पेस की इफिशियंसी है, देन आल्सो आई विल डू। ये होगी पुल ओवर की एक्सरसाइज। पुल ओवर में आपको प्रॉपरली जैसे मैं मूव कर रहा हूं उसको मसल को स्क्वीज करना है, जितना अच्छे से आप स्क्वीज करोगे उतना प्रॉपर शेपिंग आपके चेस्ट में, साइड चेस्ट में आएगी और प्रॉपरली आप शेप में आओगे। एक मॉडरेट वेट लो और उस मॉडरेट वेट से प्रॉपरली एक्सरसाइज करो। तो गाइज ये था आज का वर्कआउट। आप अपने होम वर्कआउट में अगर आप डेली वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा बहुत प्लेट रख के आप ये वर्कआउट अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हो।
ये देखो वर्कआउट करने के बाद हाथ कैसे हो जाते हैं। तो इन चारों पांचों वर्कआउट को आप ट्राई करो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग एंड कीप हसलिंग, लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पॉजिटिव पाथ, पॉजिटिव वे और पॉजिटिव तरीका होना चाहिए। कीप हसलिंग, स्टडी हार्ड, जो भी फील्ड में हो उसको अच्छे से हार्ड करो, बढ़िया करो, और अपने घर वालों का, अपने चाहने वालों का नाम रोशन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप वर्कआउट करते हो लास्ट में पोजिंग करना बहुत जरूरी है, पोजिंग करो। और आज की वीडियो में विराम दूंगा, लास्ट की पोजिंग की रहेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Sometimes a disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. Before I can close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive. This is all about posing. Thanks for watching the video. Keep supporting. Sabse last baat, workout karne ke baad, protein is must. So have it. Stay fit.